सर एक इंडिगो देखिए कैसा दिख रहा है, इंटरग्लोब एविएशन इंडिगो। सर आज के अगर अगर हम लोग थोड़ा सा लंबा नजरिया रखते हैं इसके अंदर का, तो ऑलरेडी एक अच्छी खासी मूव आ चुकी है इसके अंदर, और एक दोबारा कंसोलिडेशन की फेज के अंदर पिछले पिछले एक हफ्ते 10 दिन से ये कंसोलिडेशन के फेज में है। कंसोलिडेशन का मतलब इस तरीके से है कि हम लोग इसको अगर चार्ट्स के ऊपर देखें तो 1950 से लेकर 1890 तक की इसकी एक रेंज इन्होंने मेंटेन करके रखी हुई है, जो कि इसके अंदर ही ट्रेड हो रहा है। जो भी ट्रेडिंग हो रही है ये 60 रुपए के अंदर ही ट्रेडिंग हो रही है। मेरा इसके इसके अंदर जो ट्रेड रहेगा वो आइदर और ट्रेड रहेगा। अगर ये 1890 की लेवल ऑन अ डेली बेसिस अगर तोड़ता है नीचे में तो इसके अंदर सेल साइड एग्जीक्यूट करना चाहिए, और इसके अंदर अगर 1960 की लेवल अगर क्रॉस करते हैं तब ये कंडीशनल बाइंग वाला सिनेरियो हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि ये आसानी से 1960 रुपए की लेवल क्रॉस करेगा, क्यों तो जो बैरियर्स आ रहे हैं वहां पे तो काफी सारे बैरियर्स आ रहे हैं, और मैं पिछले 5-6 सेशन से अगर देखूं तो उसका वो ऊपर वाला बेस वॉयलेट नहीं हो रहा है, तो अल्टीमेटली ऊपर की लेवल से प्रेशर आ रहा है। तो हम लोग 1890 की लेवल ब्रेक करने का वेट करेंगे, और वहां से अगर थोड़ा शॉर्ट बने पोजिशन तो फ्यूचर्स के अंदर शॉर्ट करें। इनके पास में होल्डिंग है वो बेचना नहीं चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कुछ अगर दिमाग में रखा हुआ है उन्होंने उस हिसाब से, तो फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक कैरी करने के लिए बहुत अच्छा है। सर ये बता दिया है सर ना इंडिगो पे किस तरीके से रहे हैं।